Assalamu alaikum students, it's me Tayyaba Azam and today we start our new chapter number 3, Biodiversity of Zen textbook 9th class. Principle of classification. When we classify the organisms, we consider some principle. First we have looked the morphological character if we are talking about among different species. ठीक है, इफ वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स विद इन अ स्पेशीज देन वी गो टू द एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. ठीक, देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिजम्स. वन इज द होमोलोगस एंड अदर वन इज द एनालोगस. तो स्टूडेंट्स, होमोलोगस हम उस तरह के कैरेक्टर्स को कहते हैं जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो. जिस तरह यहाँ होमोलोगस की जो पिक्चर दी गई है इसमें फोर एग्जांपल्स गिवन हैं कि ह्यूमंस की फोरलिम, कैट की फोरलिम, व्हेल की फोरलिम और बैट के विंग्स. ठीक है, या व्हेल के फ्लैपर्स हम जिसे कहते हैं. उनका इंटरनली नंबर ऑफ बोन्स और स्ट्रक्चर सेम है बट लेंथ थोड़ी सी मॉडिफाई है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. ठीक है, अब ह्यूमन का फंक्शन हैंड से क्या होता है कि वो डिफरेंट काम कर सकते हैं उससे, ग्रैपिंग का और इस तरह से. और कैट फोरलिम्ब से क्या करती है, वॉक करती है. व्हेल जो है उसके फ्लैपर्स जो है उसे स्विमिंग में हेल्प देते हैं और बैट उसके विंग्स जो है उसे फ्लाई में हेल्प देते हैं. ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं एनालोगस कैरेक्टर्स, ऐसे करेक्टर्स जिनके फंक्शन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो. जिस तरह बैट उसकी फोरलिम्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, ह्यूमन से रिजेंबल करता है. और बर्ड्स उनके फीदर्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बैट से. पटेरोडैक्टाइल उनका स्ट्रक्चर विंग्स का डिफरेंट है बैट से. एंड इंसेक्ट्स वो तो बिल्कुल सॉफ्ट बॉडीड है और उनके भी फीदर्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो कि फ्लाई कर सकते हैं. बट इन सब के विंग्स का काम क्या है कि उन्होंने फ्लाई करना है. जिस तरह यहाँ बटरफ्लाई के विंग्स की एग्जांपल है कि दे आर सॉफ्ट बॉडीड, अदर आर हार्ड बट देयर फंक्शन इज सेम, दे कैन फ्लाई विद देयर विंग्स और फीदर्स. ठीक है, सो होमोलोगस सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस, एनालोगस डिफरेंट स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर फंक्शंस. Taxonomy. The concept of taxonomy, as we study in the history of taxonomy or the classification, that is the Aristotle and other one is the Carlos Linnaeus. And the units which are using in the taxonomy are given by the Carlos Linnaeus. They will be in ascending order as well as in the descending orders. ठीक, तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की हायरार्किकल यूनिट्स की बात करें तो हियर इज द डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. एंड आल्सो हियर गिवन एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन. ठीक है, यहाँ जो एग्जांपल गिवन है वो ह्यूमन बींग्स की है कि अगर हम ह्यूमन बींग्स का डोमेन देखते हैं तो दे हैव यूकैरियोटा. ठीक है, यूकैरिया या यूकैरियोटा, इट मींस दे हैव यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम, दे बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया. एंड फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा बेटा हम उसे कहते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम हो. दे आल्सो नोन एज द फाइलम वर्टिब्रेटा. नाउ क्लास ममेलिया. एज यू नो, ममेलियंस आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव ममेलियन ग्लैंड्स एंड दे give birth to their newborns or offsprings directly birth. ठीक है, not through any egg laying or this like this. ठीक, तो other order is primates. Primates हम कहते हैं relatively large complex brain, forward facing eyes with overlapping fields of view that allow depth perceptions, eye sockets with a ring or cup of bone surrounding and supporting the eyes, grasping hand with long fingers to curl around objects. मीन्स grasping hand हम कहते हैं कि आप किसी चीज़ को पकड़ सकते हो. ये ability होती है किनके पास, primates के पास. Now is the homonidia. Homonidia हम कहते हैं bipedal locomotion वाले organisms को, मतलब जो कि दो टांगों या दो पाँवों से walk करते हों या locomote करते हों. और genus हमारे पास आ जाता है homo, means कि ऐसे जो कि
दूसरे हमारे पास जो गोरिल्ला है या मंकी है उनसे डिफरेंशिएट हों, ठीक है। जैसे उनके पास टेल थी और ह्यूमंस के पास टेल नहीं होती, देयर बैकबोन बोन्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। नाउ स्पेशीज सेपियंस, सेपियंस की एक्चुअली मीनिंग होती है वाइज मैंस, मतलब कि इनके पास स्पेशलाइज्ड ब्रेन होता है और मतलब दे हैव स्पेशल मेंटेलिटी देन द अदर ऑर्गेनिजम्स। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल फ्रॉम 384 टू 322। ही फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज दी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म, और जो बायोनोमियल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था वो भी देने वाले एरिस्टोटल थे। एंड इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे स्टडी की और उसके बाद अपनी एक बुक लिखी एनिमल्स पे, हिस्टोरिया एनिमेलम इन लैटिन, ठीक है। एंड इन्होंने एनिमल्स के ब्लड ग्रुप के भी डिफरेंसेस बताए, जिस बेस पर इन्होंने ये भी बताया कि कौन से एनिमल्स पानी में रहते हैं और कौन से टेरेस्ट्रियल होते हैं, कौन से कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कौन से हॉट ब्लडेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी बहुत ज़्यादा वर्किंग की वजह से इन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ऑन अदर साइड, वन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट भी अबू उस्मान उमर अल जाहिद, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्लॉटर एनिमल्स में वर्क किया था और उनके एम्ब्रियो का ज़्यादातर वर्किंग करके उसका डिफरेंशिएट किया था। उनकी वर्किंग इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट उन्होंने एम्ब्रियोनिक बेसिस पर मतलब इंसान आर दी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था और उनने बहुत सारे डिजीजेस को डायग्नोज किया था, उनके ट्रीटमेंट्स भी बताई थी। एंड उन्होंने एक किताब लिखी थी किताबुल हैवान, जो कि एनिमल्स पर थी। फिर इन दी एंड और लास्ट, जो हमारे पास करंट इरा में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं, कार्लस लीनियस, जिन्होंने मेन क्लासिफिकेशन दी, क्लासिफिकेशन यूनिट्स बताए टॉप टैक्सोनॉमी के, जो कि हमारे किंगडम टू स्पीशीज हैं, ठीक है। डेट्स वाई वी कॉल दे वी कॉल हिम अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय द कार्लस लीनियस इन 1758। ही कंसिडर अ स्पेसिफिक करेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दैट ही क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इन टू टू किंगडम्स, वन इज द किंगडम प्लांटिया एंड अदर वन इज द किंगडम एनिमेलिया। द करेक्टर्स विच ही कंसिडर इज सेल वॉल, लोकोमोशन, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम, ठीक। सो अगर हम देखें सेल वॉल, सेलुलर लेवल पर देखें एनिमल सेल के एंड प्लांट सेल के, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में इट्स एब्सेंट। बट लोकोमोशन, लोकोमोशन इज प्रेजेंट इन टू द एनिमल सेल बट प्लांट सेल्स कैन नॉट लोकोमोट। वी नो डैट प्लांट सेल्स कैन बी मूव, ठीक है। मूवमेंट इज दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच दे कांट चेंज योर लोकेशन बट दे कैन मूव, ठीक है। बट एनिमल्स कैन लोकोमोट, दे कैन बी चेंज योर लोकेशन और पोजिशन। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वैसे तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक पढ़ते हैं, ठीक। फिर अगेन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक की ब्रांचिंग है, जैसे हमारे पास ऑटोट्रॉफिक में फोटोट्रॉफिक आ जाते हैं एंड कीमोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर फूड बाय द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, या सनलाइट। ऑन अदर कीमोट्रॉफिक्स आर दोज विच मेक देयर ओन फूड बाय द केमिकल्स, ठीक। नाउ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक मोड में अगेन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, सम आर एब्जॉर्प्टिव इन नेचर, सम इनगल्फ फूड, सम ईट और इनटेक। सो एनिमल्स आर न्यूट्रिशन मोड जो कार्लिस ने कंसीडर किया था वो ये कि एनिमल्स कैन ईट, ठीक, और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसे हम इरिटेबिलिटी भी कहते हैं। तो हमारे पास वो प्लांट्स में मोस्टली जो है एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स हैं जो कि यूनिसेलुलर है, दे कैन बी रिस्पॉन्स टू देयर स्टिमुलाई बाय कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम अगेन सेलुलर लेवल पर होता है और ये मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प देता है। सो द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज वेल प्रेजेंट इन द एनिमल्स।
Eukaryotic cell and prokaryotic cell have various importance in the classification of organisms. जब हम किंगडम्स से क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास द बेसिक टाइप ऑफ सेल ऑन द बेस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इज वेरी नेसेसरी. इडॉर्ट चैटन इन 1937 क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास बेसिकली दो तरह के सेल होते हैं, जिसमें से एक प्रोकैरियोटिक जिसे हम सिंपल सेल भी कहते हैं एंड यूकैरियोटिक जिसे हम कंपाउंड सेल भी कहते हैं या कॉम्प्लेक्स सेल भी कहते हैं. बेसिकली प्रो मीन्स होता है फॉल्स या मिमिक और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस एंड यू मीन्स ट्रू प्रॉपर एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. सो द नेम एज द नेम शो False nucleus, the prokaryotic cells do not have proper nucleus. इनके पास proper nucleus नहीं होता. जो nucleus में मौजूद DNA colloid material होता है वो इसी तरह से cytoplasm में present होता है without any partition or boundary. एक्चुअली स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनल्स नहीं होते. मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनल्स हम उन ऑर्गेनल्स को कहते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन कोटिंग के साथ होते हैं. जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनल्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपके राइबोसोम्स हैं और न्यूक्लोइड है. न्यूक्लोइड हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, जस्ट डायरेक्ट इसके पास डीएनए है. ठीक. और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर हमारे पास एक बैक्टीरिया की एग्जांपल दी गई है जिसकी लेबलिंग कुछ इस तरह है कि उसके पास पिलस है, कैप्सूल है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, फ्लैजिलम, तो इसे हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे अपने प्रोकैरियोटिक फाइलम में. ऑन अदर हैंड साइड प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल इज है वेरियस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल. इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड दोनों, जस्ट लाइक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, कॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड साइटोस्केलेटन और हमारे पास काफ़ी सारे न्यूक्लियस. सबसे मेजर हमारे पास ये कि न्यूक्लियस हमारे पास प्रॉपर होता है विथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सब चीज़ें जो मेम्ब्रेन बाउंडिंग है वो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं. तो इसकी डिस्कवरी के बाद हमारे पास फाइलम में मज़ीद चेंजिंग आई. After the working of Edward Chatton on the eukaryotic and prokaryotic, then the Ernest Haeckel work on the kingdom in 1866 and give a new kingdom in which the eukaryotic cells are present. ठीक है. अब हमारे पास इन अर्नेस्ट ने तीन किंगडम्स बना लिए जिसमें उसने उन्होंने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की बेस रखी. मल्टी सेलुलर में यूकैरियोटिक रखे एनिमल एंड प्लांट और यूनिसेलुलर में उन्होंने मज़ीद दो ब्रांचिंग कर ली जिसका नाम उन्होंने दिया प्रोटिस्टा किंगडम और उसमें एक लोअर प्रोटिस्ट और एक हाई प्रोटिस्ट. एज यू नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि लोअर प्रोटिस्ट या सिंपल प्रोटिस्ट हम उसे कहते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं और हायर प्रोटिस्ट या यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट हम उसे कहते हैं जो कि ज़्यादा ऑर्गेनल्स रखते हैं और कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर होते हैं. तो डेट्स वाई हमने इसे प्रोटिस्टा को अगेन दो ब्रांचेस में डिवाइड किया. और प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में हमारे पास आते हैं ब्रायोफाइट्स, पैटीरोडोफाइट्स, जैमनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे. और एनिमल्स में हमारे पास आते हैं इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल इनवर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव देयर वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन and vertebrates are those which have their vertebral column and backbone. Must watch, like, comment, share and subscribe our channel Dr. Raza Academy and Educational Consultancy.
Except video lectures, we can provide PDF lectures and MCQs. Thanks for watching.